channel. I'm here once again with another video of how to decorate these jars. These jars are basically jars which I bought from this wedding invitation, but you can buy it from Flipkart and Amazon as well. I will give the link in the description box from where you can buy these products. So we will decorate this in a very innovative manner. Without wasting any time, let's begin with the video. For the first jar, we can use the color of your choice. You can customize it as per your choice. So first I'll paint all this jar with white paint. So let's start painting this jar. We will basically paint it like two times, double coating. Upper portion we paint it as well. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सूख चुका है, तो अब हम इसे डबल कोट करेंगे. डबल कोट के लिए उसी प्रोसीजर से आप उसको पेंट कीजिएगा ऐसे. इसमें मैंने डबल कोट कर दिया है. अब हम लोग दूसरे जार को भी लेंगे. मैंने दूसरे जार को भी वाइट पेंट कर दिया है. अब पहले हम लोग दूसरे जार को डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले जार को सूखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. सा एप्सम सॉल्ट ले लीजिए और उसमें फूड कलरिंग ऐड कीजिए, तो आपका कुछ टेक्स्चर इस तरीके से बनेगा. तो आप थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए और उसमें फूड कलरिंग ऐड कीजिए. तो ये बन जाएगा इस टाइप से कलर, इस टाइप का कलर आ जाएगा. अब आप क्या कीजिएगा, इसको साइड रख लीजिएगा. अब ये पेंट जो है इसमें आप एक बार और वाइट पेंट लगाइएगा. उसके बाद इसके ऊपर ऐसे सॉल्ट छिड़क दीजिए. ने पूरे जार पे इस तरीके से सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिए है. सो वी आर डन विद दिस जार. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव द नेक्स्ट जार. इट्स ऑलरेडी ड्राई, ये सूख चुका है ऑलरेडी. तो अब हम लोग इसको पेंट करेंगे. इस टाइप से एक बार पेंट करेंगे, लाइक यहाँ पे. तो हमने इसको पेंट कर लिया है. अब हम इसका मतलब हम लोग यहाँ पे तो गोल बनाएंगे और यहाँ पे इसका मुंह बनाएंगे. तो आप देख सकते हैं मैंने ये आउटलाइन बना दिया है. हमारे दोनों जार रेडी है.